हेलो गाइस, माय नेम इज वंशिव। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 16 और आज मम्मी ने बनाए राजमा चावल, जो कि ऑब्वियसली मेरा फेवरेट खाना है। राजमा चावल मेरे को बहुत पसंद है, तो अभी मम्मी बना रही है, तो रात को भिगोने पड़ते हैं ना, तो इसलिए। और मैंने ना ये इसलिए पहन रखी क्योंकि मेरे बाल ऐसे खराब हो रखे हैं, और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो दिखाता हूँ, पसीने भी आने लग गए अभी तो मेरे। मैं अभी अभी आया हूँ बस, और कैब भी अभी हो रही है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख लो कितनी गर्मी है, और वो क्या लगा हुआ है पता नहीं मुझे, ऐसा और ये लग गया है माइनक्राफ्ट में। तो क्या बना रहे थे भाई? क्रीपर ने मेरा घर का सत्यानाश कर रखा है। बस बनाते ना सब कुछ। ओ रहने दे, हर एक चीज क्रिएटिव नहीं होती, ठीक है? तू तो हमेशा क्रिएटिव देव से मांग लेता है, उसके सर्वाइवल में भी नहीं। ये मेरी सर्वाइवल है, ठीक है? समझ आई बात? गाइस ये ऐसा घर बना नहीं सकता मैं बता रहा हूँ। क्या तेरी शक्ल से तो बहुत अच्छा घर है, बना सकता हूँ मैं, ठीक है? आई समझ? गर्मी भी नहीं की, ठीक है? तो आप ये बताइए, आप हमें अभी राजमा चावल बन रहे थे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा बुरा। पर क्यों? क्योंकि हमेशा राजमे चावल बनते हैं। और इसको पसंद है छोले चावल, और मेरे को भी पसंद है छोले भटूरे, घर वाले मम्मी को बनाती हैं बढ़िया वाले, बस बनते थे। भाई क्या बता दो, बढ़िया तो बनते हैं पर यार वो मजा नहीं है यार, तो बाहर वालों में। इसमें गाइस मेरे टूल्स रखे हैं। अब तो गया तू, टूल्स ही टूल्स हैं इसमें मेरे। इसमें एक डायमंड पड़ा है, वाह। अरे ऊपर एक डायमंड, मेरे दो डायमंड पड़े हैं ना, वो लाके रख देता हूं यहां पे, दो डायमंड। गाइस ये रहे मेरे राजमा चावल बन चुके हैं, एक बार खा चुका है। हां वो जो कल मंगाए थे उसके साथ, तो ये खा रहा हूं मैं अभी, और फिर खा के मिलता हूं आपसे। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:51, और अभी हम जा रहे हैं पार्क, तो बस अभी निकल रहे हैं। और कितना टाइम हो गया अभी, मैं भूल गया, 4:51 पाँच बजने वाले हैं। एक घंटे में शायद अंधेरा हो जाए, या पता नहीं, वहाँ पे चलते हैं और वहीं पे मिलता हूँ। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:20, और हम आए हैं सूरजमल स्टेडियम, और उधर जाना है हमें। तो ये है पूरा तो ये देखो कितना बड़ा पार्क है आगे ऐसे। यहाँ भीड़ है आगे, प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़, यहाँ पे हमें खेलने के लिए मना कर दिया गया है, और हम जा रहे हैं दूसरे पार्क में जहाँ पे बैठे हैं ना, तो इसलिए। और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, मसले जाएंगे। कितना बड़ा पेड़ है, और चलो दूसरे पार्क में जहाँ हम पहले गए थे वहीं पे जाएंगे, वहाँ पे जाके मिलता हूँ। तो गाइस इसी पार्क में हम आ चुके हैं, और तो खेलना स्टार्ट करते हैं, मुझे बॉल लगानी पड़ेगी। अरे भाई ये हाथ उड़ा दिया। कर बोल तो यहाँ वहां से यहाँ आ चुके हैं, कहाँ जाएगा?
करा। जा मैं उठा लूँ। करा चक्कर काटते नहीं तो बैटिंग कर ले, शॉट मारने की पड़ी हो जाएगी। गुड डॉक्टर बुलाइए पलटते। दक्ष बोल फेंकते हैं, पापा बोल फेंके ना, दक्ष बैटिंग करते हैं और पापा ने बोल फेंकी और ये दक्ष ने छोड़ दी। और ये इसकी जो बॉल नहीं लगती ना उसको नो बॉल बना देता है। चाहे इसके वहाँ बैठ के लग के भी गियो इसके मतलब ऊंचे ऊंचे लगी ना तो ये नहीं मानेगा। छोड़ दी। तो गाइस अभी टाइम होने हो गया है 6:15 और पार्क में भीड़ कम हो चुकी है। अरे बोरी तो आप क्या कहना चाहेंगे इतना खेलने के बाद। लेसेस खोल गए, मैं लेसेस बांध लेता हूँ एक बार। तो गाइस अभी हम पार्क का चक्कर लगा रहे थे और हमें ये मिला, ये शायद यहाँ पे जो डॉग है उन्होंने बना रखी है और यहाँ की लाइट जल चुकी है, हमें जाना पड़ेगा। चल चले जूम करके दिखाना अंदर। इसके ऊपर मत खड़ा हो भाई। जी क्या सांप के बिल? ये तो अंदर तक नहीं है, वो अंदर तक है आगे। पार्क खाली हो गया क्योंकि हम इस साइड हैं। ये रही डॉगी जिस जो शायद हमें पिछली बार मिली थी। ये मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है जिसमें भाई मैं सोच रही बिल्कुल भी नहीं हिल रही होगी पर वो बहुत ज़्यादा हिल रही है। अब इसका भी नहीं पता मुझे तो ये कैसी बंदी होगी। तो पहले पता तो चल रहा पर इसका देखो भाग रहा है। कैमरे को से पकड़ता हूँ। मेरे को उसके पास चलते हैं। ये वाला पेट कैसे यहाँ पर खेल रहे थे, वहाँ पर भी खेल रहे थे, यहाँ पर भी खेल रहे थे। मुझे देखना सही तो बन देना। ऐसे मैं चल रहा हूँ और वो वहाँ भाग चुका है वो वहाँ पे। तो मेरे को जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। मुझे ये तो पता नहीं कहाँ गया है वो। कहाँ लग गए, कहाँ चला गया वो। रहा वो रहा रुक जा भाई, रुक जा।
डॉगी पैसे ले। यहाँ पे एक्सरसाइज करने का भी है, जिम कह सकते हैं। तो ये मैंने शायद पिछली बार नहीं दिखाया था, तो अब देख लो पूरा। तो यहाँ से बाहर निकल रहे जल्दी। सो गाइस अभी हम घर पे आ चुके हैं और हम लाए हैं समोसे, नमक पारे और जलेबी। तो देख ही सकते हैं अभी इसने खा लिए, और चलो अभी खाते हैं और फिर खा के मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ छत पे, और छत पे है अंधेरा। तो सबसे पहले फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, और मेरे पास है ये टॉर्च, और इसको जलाने वाले हम। इसके भी मैं चार्जिंग करके लाया हूँ, तो जलाते हैं इसको। इसको भी टेस्ट करते हैं, दक्षु की है वैसे, फिर मैं लेके आया हूँ और जलाते हैं। ये देखो भाई क्या गिर गया भाई। ओ भाई मेरा सर रस्सी बजा के भिड़ा, क्या हो गया, क्या गिर गया, पता नहीं। हमारी खड़ी वो खड़ी, तो आप सोच रहे होंगे बस नहीं लाइट है, पर नहीं। ये देखो भाई इस, और इसमें दो पॉइंट है, कितने इतनी लाइट है, पहले फर्स्ट वाले पे इतनी है, सेकंड वाले पे इतनी है। तो अभी है इसमें शायद फुल चार्ज है ये। और इस वाले छत पर कुछ दिखेगा नहीं, तो इस वाले छत पे अगर इसकी जैकेट टंगी है या नीचे लेके जानी है, कैसे टांग रखे है भाई कोई फिक्र ही नहीं है। और ये ओ भाई देख लो टॉर्च अंदर का, पहले इसमें भी करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड, वाह इसको लो पे करते हैं पूरा। तो नीचे चलते हैं, मैं इस चेयर पे बैठूंगा, मैं कल भी इस पे बैठा था। तो अब मैं नीचे जाके करूंगा व्लॉग एंड। सो गाइस अभी टाइम है 9:15। क्यों बोल रहा है, बाल नहीं दिखाने, बाल नहीं दिखाने, बाल की कुछ ज्यादा ही हालत खराब है भाई। चुप हो जा भाई, चुप चुप। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आया तो उसको लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसे लगे वीडियो। मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।